नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष ठाकुर परफॉर्म में। आज की इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, जो कि अभी हमने जज की यहाँ पर देखा है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मेरे जो ऑर्चर्ड में है, एक प्लांट में जो है थोड़ी बीमारी लग गई। यहाँ पर आप देख सकते हो पीले पत्ते आ गए हैं, बाकियों में हरे हैं और इसमें पीला। इसकी वजह दोस्तों नीचे जड़ों में एक कीड़ा होता है जो कि जड़ों को नीचे से छाल को अंदर से ज़मीन के नीचे जाकर जड़ों को सारा खोखला कर देता है, उसको खा लेता है और छिलकों को सारा मतलब पाउडर बनाकर उसका ख़त्म कर देता है और सूखने लगता है प्लांट। पहले तो लगा कि ये ऐसे ही कोई रीज़न ही होगा इतना बड़ा, लेकिन डेली इस पेड़ में जो था, इस प्लांट में पत्ते थोड़े पीले ज़्यादा होने लगे और झड़ने लग गए पत्ते सारे ही। तो फिर जब इसको चेक किया, इनको जड़ों को चेक किया, तो यहाँ पे हमें रूट बॉरर मिला जो कि कीड़ा होता है और जो रूट में लगता है नीचे शाखा जड़ों में लगता है आपके। उसके बाद परसों की बात है, हमने इसको चेक किया, उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए उस टाइम निकालते वक्त, लेकिन रूट जो बॉरर होता है एक कीड़ा, वो आपके जो है पेड़ों में नीचे जड़ों को, जड़ों के पास से जो नीचे वाला जितना सरफेस होता है उसको खाता है और प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट में कैसे यहाँ पे ब्राउन हो गया है, ये उसी ने खाया है इसको ऊपर तक। उसके बाद हमने जब इसको चेक किया तो यहाँ से 3 से 4 कीड़े जो थे यहाँ ऊपर लगे हुए थे इसको खोखला करने में। यहाँ पर एक यहाँ था, एक यहाँ था और दूसरा तीसरा यहाँ पे और एक नीचे था। इसकी इतनी हालत बुरी नहीं की उसने, टाइम रहते ही हमने इसको चेक कर लिया और इसको जो है अब इसका इलाज करेंगे, इसकी जो है ट्रीटमेंट करेंगे हम अब इसकी। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट करने के लिए हमने जो है कीटनाशक, एक दवाई होती है जिसका मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बोतल है कोविन 20 करके ब्रांड है और इसका जो नाम है दवाई का वो है आपका क्लोरोपाई रिफॉस 20%, इसी कीटनाशक दवाई है। और इसको हम अब यहाँ पे ड्रिंचिंग करेंगे इसकी, इस पूरे प्लांट को 4 लीटर के पानी में, यहाँ से पानी भी लेके आए हम, इसमें मिलाकर इसको ड्रिंच करेंगे, मतलब इसके पूरे एरिया में सरफेस में इसको डाल देंगे और जो नीचे और भी कीड़े लगेंगे उसको भी ये रोकथाम करेगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्चर्ड में एक गलती होगी, वैसे तो अभी एक ही प्लांट में मेरे को प्रॉब्लम दिखी, बाकी में तो अभी तक है नहीं। यहाँ पे जो इतना जहाँ पे आपका सरफेस है ना, यहाँ पे जो इसकी जड़ जितने सरफेस का है, इसके दायरे में आपने 1 से 1.5 फुट तक घास ही नहीं उगने देना, इसमें साथ में सारा घास निकाल देना है और इसको खोदना नहीं है आपने। जितना ये वाला एरिया ना आपका बाहर का, इसको आपने कभी जो है आप जब इसके बेड बनाते हो तो जैसे तौलिया बोलते हैं हमें अपनी भाषा में, बेड भी कई जगह बोलते हैं कि घेराव बनाते हैं इसका, तो उस टाइम आपने जितना आधा फुट से प्लांट के दायरे से आधा फुट सराउंड इसको खोदना ही नहीं है, इसको सख्ती रहने देना है। उस कारण भी जब हम खोदते हैं तो कीड़ों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत आसानी होती है और वो जड़ों तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो आपकी सेब की छाल होती है वो मीठी होती है, उसको खाने में के लिए पहुँच जाते हैं जी। तो यही रीज़न था कि यहाँ पे हम हर बार इसको खोदते थे, अगली बार से हम इसको बंद कर देंगे और जितना प्लांट का दायरा है उस तक हम इसको खोदेंगे नहीं और जो घास है उसको भी निकालते रहेंगे। इस बार थोड़ा घास बढ़ गया था यहाँ पे, तो इस कारण इस प्लांट में थोड़ी दिक्कत आ गई। अभी भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो ये है फफूद है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सारा जो कीड़ा था वो यहाँ लगा हुआ था, उसने जो है पूरी तैयारी कर ली थी इसको सुखाने की, लेकिन हमने टाइम से देख लिया इसको। और उसके बाद इस छाल को निकाल देंगे, इसमें हम फिर इस टाइम पेस्ट का एक पेस्ट होता है उसको लगाएंगे बाद में इस ड्रिंचिंग करके। यहाँ पे आपकी दवाई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और जिसका नाम है क्लोरो पाइरीफॉस 20% ईसी, और इसको जो है हम अब इसको जो है हम 10 ml 4 लीटर में मिलाएंगे जी। आ,
10 ml जो है 4 लीटर में इसका घोल बनाएंगे हम। उसके बाद इसकी ड्रिंचिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं दवाई को, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो जाता है ऐसे। फिर आप इसको फिर आप डंडे की सहायता से इसको हिला देना आपने, ये पूरा वाइट हो जाएगा आपका। जितना ये बन रहा है ना आपका, जो स्प्रे भी कर सकते हैं आप पूरे प्लांट में इसकी फिर बाद में, लेकिन अभी ड्रिंचिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आपको मैंने दवाई यहाँ पे बता दी है, क्लोरोपाइरीफॉस है और 20% ईसी कीटनाशक। इसका आपने जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको आगे जोड़ सकते हो आपको जितना चाहिए। अभी मैंने इसमें 5 डाला है, 5 4 लीटर की बाल्टी है, 10 ml इसमें मैंने इसको दवाई को लगाया है। तो कुछ इस तरह से आपको इसको करना है, घोल बना देना है आपने इसका, उसके बाद आपने इसको ड्रिंच करना है जी। ड्रिंच करने के लिए ज़्यादा एरिया नहीं आपको खोदना है यहाँ पे, जितना आपका एरिया है उसका जो है सरफेस जो है बिल्कुल साफ़ कर देना है। ज़्यादा भी नहीं उखाड़ना, अंदर की छाल अगर आपकी हरी है तो उसको उखाड़ना ही नहीं है। उसके बाद ड्रिंच आपको इससे थोड़ी छोटी बाल्टी में, यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ साथ में, इसको आपने ड्रिंच करना है इसे कुछ इस तरह से डाल देना है इसको प्लांट में। और जब तक कि इधर से उधर तक नीचे तक ना चला जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक प्लांट में आपको मैंने 4 बनाया क्योंकि अभी एक ही प्लांट है, कुछ इस तरह से इसको ड्रिंच कर देना है ताकि नीचे तक जाए, जड़ों तक जाए। अगर आपका कीड़ा नीचे भी लगा होगा तो वो दवाई के साथ कनेक्ट होकर मर जाएगा। थोड़े बाहरी सरफेस में भी आप इसको डाल सकते हैं क्योंकि बाहर का आपका दायरा है, इसके आगे भी कीड़े आते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको एक बार ज़रूर करें, ज़्यादा खोदना नहीं है इसको। जितनी जड़ें आपकी इससे हुई है प्रभावित तो उतनी है आपको इसको करना है। तो कुछ इस तरह से इसको मैं अभी यहाँ पे सारा ही डाल दूँगा ऐसे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जब तक ये नीचे नहीं बैठ जाएगा सारा, अभी मैं इसको शाम तक बिल्कुल भी नहीं लाऊँगा। शाम तक क्या, आज मैं इसको बिल्कुल भी, मतलब शाम तक मैं इसको हिलाऊँगा ही नहीं जब तक ये सारा पानी नहीं बैठ जाएगा नीचे। नीचे मिट्टी आज का सख्त है, बारिश का मौसम है, वैसे भी पानी ज़मीन में बहुत है तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो अब इसमें जो है क्या करना है कि जब ये सारा पानी नीचे चला जाएगा तो यहाँ की जो भी मिट्टी है, जैसे इसकी इर्द गिर्द नई मिट्टी नहीं डालनी, उसमें कीड़ा आ जाएगा। जो जितना मैंने बाहर निकाला है यहाँ की मिट्टी, इसी को यहाँ पर डालना है और इसको बंद कर देना है। बंद करने से पहले मैं यहाँ पर पेस्ट लगाऊँगा इस पर, और पेस्ट जो होता है स्टैम्प पेस्ट होता है उसको मैं इसमें लगाऊंगा और उसके बाद इसको बंद करूंगा। जहाँ पे कीड़े ने अटैक किया वहाँ पे मैं स्टैम्प पेस्ट का यूज़ करूंगा, उसके बाद इसको बंद कर दूंगा और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। जो स्टैम्प पेस्ट का उपयोग करूंगा उसकी वीडियो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए भी मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी क्योंकि अभी जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और टाइम भी बहुत है। तो इसको मैं जब मैं बंद करूंगा उससे पहले इसमें स्टैम्प पेस्ट का उपयोग करूंगा, उसकी वीडियो आपको शेयर करूँगा कि आपको स्टैम्प पेस्ट कैसे यूज़ करना है इसमें और कितनी मात्रा में करना है, और स्टैम्प पेस्ट पेस्ट जो होता है वो होता गया है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उस टाइम भी आपको बताऊँगा हालात की, इसके क्या हालात है। तो तब तक दे इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, जय किसान दोस्तों।